Hello, bachu. Today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 64. Date is 7th December 2020 and topic is statistics median. तो mean को calculate करने के लिए हम दोनों methods देख चुके हैं. अब हम देखेंगे कि median कैसे calculate करते हैं. तो सबसे पहले what is median? Median is a measure of central tendency of a distribution. It provides the value of the middlemost observation. यानी मीडियन जो है, जो भी हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, जब हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, वो हमारा मीडियन होता है. तो अब इसमें दो मेथड आते हैं हमारे, एक अनग्रुप डाटा के लिए और एक ग्रुप डाटा के लिए. अनग्रुप डाटा का जो मेथड है वो ऑलरेडी हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं. तो उसके लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी. राइट द एज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सर्कल द मिडिल वन. तो अपने फैमिली मेंबर्स, जो जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, उनकी एज लिखनी है और उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो भी मिडिल मोस्ट आपको वैल्यू दिखती है, तो वो आ जाएगी आपकी मीडियन एज, यानी आपकी फैमिली की मीडियन एज. तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पर है, अगर हमारे फैमिली में 7 पर्सन है तो हर की एक एज होगी, तो यहाँ हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? 4. लेकिन अगर ये 8 पर्सन होते तो क्या होता? तो दोनों केस के लिए हम देखते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में है, जैसे यहाँ 7 है, तो हमारा मिडिल वैल्यू हमें कैसे मिलती है? मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4. यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा, हमारी फोर्थ नंबर पे जो एज होगी, वो हमारा मीडियन एज हो जाएगी. अब अगर हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर देते हैं, यानी हम इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इफ एन इज इवन, और तो हम देख चुके हैं इफ एन इज इवन, देन मीडियन क्या होगा? एन बाय 12th टर्म, यानी 8/2, यानी फोर्थ टर्म, प्लस एन बाय 2 प्लस 1th टर्म, यानी फोर्थ, और इसमें 1 और ऐड करेंगे यानी 5th टर्म. यानी फोर्थ टर्म और 5th टर्म दोनों को ऐड करके 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा. यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब 8 ऑब्जर्वेशन है तो फोर्थ और 5th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे मिडिल ऑब्जर्वेशन है. यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करना है और टोटल को 2 से डिवाइड करना है, देन वी विल गेट द मीडियन एज, या मीडियन जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए. तो 9th में हम ये कर चुके हैं, याद आया? आप देखते हैं हमारा ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि अब हम जो भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रुप डाटा के लिए, क्लास इंटरवल जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लास इंटरवल्स में उसके लिए कर रहे हैं. तो मीडियन क्या होगा? एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच. अब एल हमें पता है क्या है? हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे. एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एच इज द क्लास साइज. और क्लास साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं हम एक फॉर्म एग्जाम्पल में, और इससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी क्लियर हो जाएगा. तो अब सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल 1. द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 33 प्लेयर्स एट ए क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलोज. कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड. अब पहली चीज़ तो यहाँ पर 31 प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमें जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसका टोटल 31 है. तो जितने प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स का टोटल उतना ही आना चाहिए ना, तो ये करेक्शन आप कर लेना, ये 31 प्लेयर्स के लिए है. तो ये हमें स्पीड यानी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये है नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी हमारी फ्रिक्वेंसी, और अब है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमारे लिए एक नई चीज़ है. तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यूमुलेट करना यानी इकट्ठा करना, अपने पास किसी चीज़ को लाना और जोड़ना. तो यहाँ 11 हम ले आए, एज इट इज़ 11 हो गया. अब इसमें 9 और ऐड कर दी हमने नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, तो हमें मिल गया 20. 20 प्लस 8 यानी 28. 28 प्लस 3 31. और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट इंटरवल की जो हमारी एंट्री होती है ना 31, वो वही होती है जो हमारे
टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, यानी समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट एंट्री सेम होती है. अब नेक्स्ट स्टेप, जब हमें 31 मिल गया है हमारा n, हमें कैलकुलेट करना है n बाय 2, यानी 31 बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 15.5. 15.5 हमें आप देखना है कि CF में, यानी ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसमें हमें कहाँ मिलेगा. 11 तक 15 नहीं आएगा, 20 की काउंटिंग तक हमें 15 मिल सकता है. तो जो ये 20 वाला हमारा क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास बन जाता है, यानी हमारा मीडियन जो है वो इसी क्लास इंटरवल में हमें मिलेगा. और जैसे ही हम अपना मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे हमारा L यानी लोअर लिमिट, ये हमारी फ्रिक्वेंसी F और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे ऊपर वाले इंटरवल की यानी CF, ये हो गया. क्लास साइज कैसे मिलेगा, 115 माइनस 100 करके. तो ये सारी वैल्यूज़ जब हमें मिल जाएगी तो हम अपने मीडियन के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट कर दी, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ गया 107.5. सो मीडियन बॉलिंग स्पीड इज 107.5 किलोमीटर पर आर. तो ये मेथड हो गया मीडियन कैलकुलेट करने का, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए. अब अगर हमारे पास मीडियन पहले से हो और फ्रिक्वेंसी मिसिंग हो तब क्या करेंगे, तो उसको भी देखते हैं. अब मीडियन ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी एक्स. तो अब यहाँ पर एक्स जो है वो मिसिंग है, इसे हमें ढूंढना है. तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये हमारे फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ हाउसेज हैं. अब हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो मेथड क्या है, पहले 2 में 25 ऐड किया 27, फिर एक्स ऐड किया तो 27x नहीं लिखना, 27 ऐड करना है तो 27 प्लस एक्स लिखना है. तो ये मिस्टेक नहीं करनी, ध्यान रखना है इसमें हमें. फिर 18 ऐड किया तो 27 प्लस 18 45 और प्लस में एक्स चल ही रहा है. फिर 7 ऐड हो गया तो 52, 45 प्लस 7 52 प्लस एक्स. तो यानी हमारा एन जो है वो 52 प्लस एक्स आ गया. फिर एन बाय 2 यानी 52 प्लस एक्स बाय 2. F1 हमारा क्या होगा, x. ये कैसे मिला हमें, मीडियन क्लास तो हमें पता ही नहीं अभी. तो मीडियन क्लास जब हमें x दिया हुआ हो, मतलब ढूंढना है, और मीडियन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे 24 हमें गिवन है कि वो मीडियन है, तो उस टाइम पे हम मीडियन क्लास कहाँ ढूंढते हैं, अपने क्लास इंटरवल में. CF में नहीं ढूंढना, हमें क्लास इंटरवल में ढूंढना है कि 24 हमें कहाँ मिलेगा, 0 टू 10 के बीच में, 10 टू 20 के बीच में, 20 टू 30 के बीच में. हमें 20 to 30 के बीच में मिलेगा, यानी ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा. और मीडियन क्लास मिल गया तो ये L हो गया, ये हमारा F हो गया, इससे पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये CF, और क्लास जो साइज़ है 30 - 20 करके हमें मिल जाएगा. तो यानी सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई. फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला. वैल्यूज़ पुट की हमने, मीडियन की जगह हमने 24 लिखा, एंड देन सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल गई. और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई हमें 10. सो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है दैट इज 10. तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हमें करनी है. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्राई योरसेल्फ, यानी अब हमें क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है. द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 32.5, यानी मीडियन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पर हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग है जिन्हें हमें ढूंढना है, और हमें मीडियम 32.5 दिया हुआ है. तो जैसे हमने एग्जाम्पल 2 किया है बस उसी मेथड को फॉलो करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे. तो करें सॉल्व. सो आंसर 1, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रिक्वेंसी है. सबसे पहला काम हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो सबसे पहले आ गया F1, F1 में 5 ऐड किया तो 5 प्लस F1, फिर 9 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 14 प्लस F1, 12 ऐड हो गया तो 26 प्लस F1, और अब F2 भी आ गया तो 26 प्लस F1 तो हमारा है ही, F2 और आ गया इसके साथ. अब 26 प्लस 3 29, और F1 F2 एडिशन में चलते रहेंगे, और ये आ गया हमारे पास 31 प्लस F1 प्लस F2.
अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी का टोटल जो दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 40, वो हमें 40 दिया हुआ है. और मैंने आपको बताया था जो लास्ट एंट्री है और जो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है ये दोनों सेम होते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पर, 31 + F1 + F2 = 40. तो यहाँ से हमें मिल गया कि F1 + F2 = 40 - 31, दैट इज़ 9. तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई. अब हमें मीडियन क्या दिया हुआ है, m हमें दिया हुआ है 32.5. और मैंने आपको बताया है जब हमें मीडियन दिया होता है तो हम उसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में नहीं ढूंढते, हम क्लास इंटरवल में ढूंढते हैं. तो अब देखें 32.5 हमें कहाँ मिलेगा, 0 to 10, नो, 10 to 20, नो, 20 to 30, नो, 30 to 40, यस. हमें हमारा मीडियन क्लास मिल गया कि हमें हमारे मीडियन यहाँ मिला है. तो 30 to 40 का इंटरवल जो है वो हमारा मीडियन क्लास हो गया. तो यहाँ से हमें मिल गया L 30 हो गया, F 12, CF क्या हो जाएगा इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी यानी 14 प्लस F 1, और हाइट ऑफ द इंटरवल 40 - 30, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आ गया 10. अब जब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई है और n by 2 भी हमें चाहिए, तो n तो हमें पता ही है 40 दिया हुआ है हमें, डिवाइड by 2 दैट इज़ इक्वल टू 20. तो इन वैल्यूज़ को अब हमें क्या करना है, हमारे फॉर्मूले में पुट करना है. तो ये रहा हमारा फॉर्मूला. तो मीडियन, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है 32.5, एल हो गया हमारे पास 30 प्लस n by 2 वो 20 है, CF 14 प्लस F1 है. तो अब यहाँ पर ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा. ये फ्रिक्वेंसी 12 दी हुई और हमारी हाइट ऑफ द इंटरवल जो है दैट इज़ इक्वल टू 10. अब ये 30 यहाँ माइनस का बन के आएगा, यानी 32.5 - 30 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -14 और -F1 हो गया. अगर हम डायरेक्ट लिख देते और ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते ना तो क्या होता, हम सिर्फ -14 के आगे लगाते, F1 तो प्लस का ही रह जाता और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता. तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट की जैकेट पहना के रखो, नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी और क्वेश्चन गलत कर देगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे है हमारे पास 12 और ये इंटू 10. तो यहाँ हमें मिल गया 2.5 = 6 - F1 / 12 × 10. तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया 5. आप बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2.5 × 6 / 5 = 6 - F1. तो 6 - F1 आ गया हमारे पास 3, और यहाँ से F1 मिल जाएगा 3. और जैसे F1 हमें मिल गया, अब हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन 1. क्या है हमारी इक्वेशन 1, वो है F1 + F2 = 9. इट मीन्स F2 = 9 - F1. तो F2 मिल गया 9 - 3, दैट इज़ F2 = 6. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर इज F1 = 3 एंड F2 = 6. हो गए सॉल्व. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज़ फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो. तो यहाँ हमें वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, हमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. तो अब है हमारे पास आंसर 2, यानी सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल दैट इज वेट इन किलोग्राम्स. तो वेट हमें दिया हुआ है किलोग्राम्स में, ये है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, और फिर हमें कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. मेथड हमें पता है 2, 2 + 3, 5, 5 + 8, 13, 13 + 6, 19, 19 + 6, 25, 25 + 3, 28 and 28 + 2, 30. और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो भी 30 है, दोनों सेम है ना. तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही कैलकुलेट की है या नहीं, तो ये सेल्फ चेक भी है यहाँ पर. अब सबसे पहला काम हमें कैलकुलेट करना है n by 2. क्यों, क्योंकि हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है ना. तो 30 by 2 दैट इज 15. अब हम यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें मीडियन दिया नहीं है, इसलिए हम इस 15 को कहाँ ढूंढेंगे, हमारे CF में. ठीक है,
तो 2 तक हमें 15 नहीं मिलेगा, 5 तक भी नहीं, 13 तक भी नहीं, 15 कहाँ मिलेगा हमें 19 तक की काउंटिंग में. तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास. तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया. और मीडियन क्लास जैसे ही सेलेक्ट किया, हमने बॉक्स जो बना लिया, अब हम वैल्यूज़ देखना शुरू करें. एल है यहाँ पे 55, एफ 6, सी एफ इससे ऊपर वाला देखेंगे यानी हमारा 13. ये मिल गया 13. हाइट ऑफ द इंटरवल 60 - 55, दैट इज 5. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब जब वैल्यूज आ गई तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इन टू एच. तो अब एल इज 55 प्लस एन बाई टू इज 15 माइनस 13 डिवाइड बाय 6 इंटू 5. 55 प्लस 2 बाय 6 इंटू 5, तो ये हो गया 3. 55 प्लस 5 बाय 3. अब यहाँ हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, हम 5 बाय 3 को सिंपली डिवाइड करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये आया अब हमारे पास 55 प्लस 1.66. इट मीन्स मीडियन आ गया 56.66. तो आंसर हो गया हमारा मीडियन. किसका कैलकुलेट करना था हमें? वेट का. तो मीडियन वेट आ गया 56.66 किलोग्राम्स. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से. मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.